राशि तुम कहाँ जा रही हो? काकी जी वो क्या है ना, खिड़की से मेरे मोबाइल की बैटरी गिर गई, तो मैं वो लाने जा रही हूँ। हे कृष्ण भगवान, तुम्हारे साथ ही कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। जाओ जल्दी लेकर आओ। मम्मी। हाँ। अरे ये तूने तेरे बाल ऐसे क्यों बनाए? वो मेरे आईब्रो उड़ गए ना तो छुपाने के। अच्छा अच्छा ठीक है। और एक बात बताइए, आप यहाँ क्या कर रही है? तू वो सब छोड़, पहले कैसे भी करके इस वॉचमैन को यहाँ से हटा। क्यों? तुझे कहा वैसे करना, जाना हटाना उसे। अब वॉचमैन भैया, मम्मी का सर बहुत दुख रहा है, आप जरा प्लीज मम्मी के लिए दवाई ले आइए। जी अच्छा। आप बताइए क्या है, आप क्या कर रही है? मैं अदला बदली कर रही हूँ, अब तू फुर्ती से अंदर जा। अनिया सांबर, मैंने धवल को ये बोला है कि मैं तेरे पापा से फोन पर बात करने के लिए यहाँ रुक गई हूँ, समझी गई? अब तू जल्दी जा, नहीं तो काकड़ी को फिजूल में शक हो जाएगा। अच्छा लेकिन ला बदली मतलब कैसे? अब बोला ना, तू अंदर जा। गोपी बिगड़ा, तेरा कारोबार खूब फले फूले, जीवता रहो, कान्हा जी के आशीर्वाद से तेरा कारोबार खूब बढ़े। की अदला बदली कर लेती हूँ। वाह, इन्हें भी तो प्रसाद दीजिए ना। मैम देर हो रही है, हमें एयरपोर्ट समय से पहुंचना है। आप लोगों ने वो गत्ते ठीक से रख दिए ना? जी मैडम जी। आइएगा। वो लोग बाहर जा रहे, आप जल्दी से अपना काम निपटाइए। ठीक है ठीक है, फोन रख। देवरा ठाकुर जी, लाख लाख धन्यवाद। काफी लेट हो गए, पता नहीं फाई भी कहाँ रह गई है।
कोई बात नहीं धवल कुमार, हम सब बाहर चलते हैं और वहीं उर्मिला बहन से मिल लेंगे। जी मोटा भाभी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा उर्मिला बहन। जय श्री कृष्णा। उर्मिला बहन कहाँ रह गई थी आप? हम सब कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ वो क्या है ना, सविता बहन मिल गई थी तो उन्हीं से बातें कर रही थी। पर सही, आप तो फुफो जी से बात कर रही थी ना। हाँ हाँ बात कर ही रही थी, तब तक सविता बहन आ गई। ने खबर छे वेवान जी, वो जल कुकड़ी क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि अपनी गोपी क्या भला कारोबार करेगी, वो तो मेरी पोती के साथ सिर्फ पांचवी कक्षा तक पढ़ी है। पर वेवान जी, मैंने भी उसकी अच्छी खबर ली, साफ साफ बोल दिया कि तमे तो तमारी दिकरी वाउनी चिंता करो। हाँ के बराबर बोली उन्हें वेवान जी। अरे धवल दिकरा, चल ना तुझे भी तो अपनी बनियानों की खेप लेकर जाना है ना। हाँ फिर। आज का दिवस बहुत शुभ दिवस है, दोनों भाई बहन कारोबार में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ आ बद्दो तमारो आशीर्वाद छे बा गोपी दिकरा, जीवती रे दिकरा। हाँ जीवती रे, तेरा काम भी सफल हो और मेरा भी। राशि दिकरा मुझे बाहर तक तो छोड़ दे। हाँ चलिए मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा वाह, अच्छा गोपी बहन। मम्मी अब बताओ तो सही, आपने क्या तीर छोड़ा है? मैंने अदला बदली कर दी। क्या बदली? मतलब? अरे मैंने दोनों टेम्पो की नंबर प्लेट बदल डाली और दोनों का सामान भी अदला बदली कर दिया। मतलब अब बनियान जाएगा हवाई अड्डे और आचार जाएगा गोडाउन में। नहीं, लेकिन किसी को पता तो नहीं चलेगा ना। अरे वो लोग जब टेम्पो की नंबर प्लेट देखेंगे तब उन्हें लगेगा कि वो लोग गलत टेम्पो ले गए, और हम दोनों का नसीब देख कितना अच्छा है, दोनों टेम्पो एक जैसे निकले। वही चले, मैं आपको रिक्शा स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। चल। जय श्री कृष्णा राशि बहन। जय श्री कृष्णा। ये लीजिए सर। ठीक, ये आपका सारा सामान। बोलिए। हाँ निकालो सामान निकालो। साहब इसमें से तो कुछ हिलने की आवाज आ रही है। खोलो देखो क्या है इसमें। स्वास्तिक, पर मैंने तो डब्बो की कोई पूजा की ही नहीं। फिर अब इसमें से तो अचार की बोतल निकली। ये क्या राशि अचार? अच्छा तो ड्राइवर भाई ने आपको कॉल किया, वो ठीक से तो हवाई अड्डे पहुंच गए हैं ना? गोपी तुम चिंता मत करो, वो फ्लाइट के समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जी आप अहम जी, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी परेशानियां आई पर कान्हा जी ने सब कुछ संभाल लिया। गोपी मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मुझे कॉल आ रहा है। जी हेलो अहम भाई, मैं धवल बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या मतलब? अहम भाई मैं गलती से गोडाउन में गलत टेम्पो लेकर आ गया। मेरा मतलब है कि बनियान के टेम्पो की जगह मैं गोपी बहन के अचार का टेम्पो यहाँ पर लेकर आ गया।
क्या अहम भाई, पता नहीं ये कैसे हुआ। मैंने अभी अपनी टेम्पो के नंबर प्लेट चेक की तो नंबर प्लेट तो दूसरे टेम्पो की है। टेम्पो थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। अब हम क्या करें? आपको पता है चेकिंग टाइम आधे घंटे बाद है। गोपी ने ऐसी हालत में कितनी मेहनत की? नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं होगा। गोपी बहन की मेहनत ऐसे जाया नहीं जाएगी। मैं कैसे भी करके टेम्पो को एयरपोर्ट पर पहुंचा दूंगा। बस आप गोपी बहन से कुछ मत कहिएगा, वो कार में परेशान हो जाएगी। आप प्लीज कोशिश करके अचार की सारी बॉटलें एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचाइए। बस जी एम भाई, आप बेफिक्र रहिए। मजाक लगा रखा है भाई साहब, अभी इस बारे में बात करने का वक्त नहीं। ये अचार मुझे दीजिए, इसको बंद कीजिए, मैं आपको बाद में। अरे एक सेकंड, जय श्री अम्बे मां, जय श्री अम्बे मां। क्या आप लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं? जी सर, हम आपका माल उतार ही रहे हैं। अरे एक मिनट एक मिनट, तेरा बॉक्स खोल के जब माल तो दिखाओ। खोलो खोलो इसको जल्दी। क्या आप देख लीजिए? अरे खोलो। अरे ये क्या बनियान? हेलो। अरे अबे शू केवानू, अरे मेरे सब बॉक्सेस में बनियाइन है भरी पड़ी है। क्या आपकी गाड़ी में बनियान है? लेकिन बनियान है तो धवल कुमार जी की। श्रीमान मेहता, ऐसे कैसे हो सकता? हमने तो आचार की खेप रखवाई है उसमें। तो मुझे क्या मालूम ये सब कैसे हो गया। देखिए अभी आधे घंटे मेरी फ्लाइट ढूंढने वाली, अगर आधे घंटे में मेरा माल नहीं पूछा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्या देखिए श्रीमान मेहता, हमें बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। मैं धवल कुमार को फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। क्या होगा? सर्वनाश, गोपी के आचार का सर्वनाश।